नमस्कार, हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मैनेजमेंट की प्रोसेस बताइए, प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें आपको कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर हम बिजनेस में पहले इनपुट यानी कि बहुत सारी चीजें लगाते हैं और फिर उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है। जैसे कि किसी मशीन में होता है, पहले हम रॉ मटेरियल डालते हैं, प्रोसेस होता है और हमें कुछ ना कुछ एक मटेरियल या प्रोडक्ट बोल सकते हैं वो हमें मिलता है। तो वैसे ही पूरी की पूरी मैनेजमेंट प्रोसेस में होता है। मैनेजमेंट क्या होता है? तो किसी भी चीज को संभालना, उसको मैनेज करना मैनेजमेंट होता है। ये कुछ सिस्टम से निकलता है, जैसे कि हम लोगों ने 10th 11th में पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग आती है, स्टाफिंग आती है, डायरेक्टिंग आती है। ये सारी चीजें जो है उसके थ्रू हम लोग मैनेजमेंट करते हैं प्रोसेस बाय प्रोसेस। देखिए, यहां पर मैंने 5 M लिखे हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बताइए 5 M कौन से हैं मैनेजमेंट में या मैनेजरियल प्रोसेस में, 5 M के बारे में समझाइए। तो यहां पर इनपुट आपको दिख रहा है, यहां पर एक मैंने प्रोसेस लिखी हुई है और यहीं पर आपको एक आउटपुट भी मिलेगा। तो देखिए, इनपुट में हम लोग क्या क्या चीजें लगाते हैं, जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो देखिए। मैन यानी कि हम लोग मैन पावर, यहां पर मैन या वुमेन, मैंने लिखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं, समझ रहे हो, मैन का मतलब यहां पर हम लोग मैनेजमेंट मैन पावर से समझ रहे हैं। मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं। तो पहला एम का मतलब मैन या वुमेन, मटेरियल, मशीनरी, मनी और मेथड। क्या होता है कि हमने मेन पावर लगाई है ना, फिर हमने मटेरियल, कुछ भी रॉ मटेरियल होगा, फिर उसको हम किससे कन्वर्ट करेंगे, मशीनों से, तो हमें मशीनरी भी चाहिए रहेगी। फिर हमें पैसे चाहिए रहेगा, क्योंकि मार्केट में हम लोग प्रोडक्शन जब करते हैं, जब भी हम कुछ ना कुछ चीजें बनाते हैं, जब हमारी कंपनी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है ना, तो मनी भी चाहिए और साथ में हमको एक एक मेथड ऐसी जिसके थ्रू कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले, ये हमारे 5 M होते हैं। इन 5 M अगर हमारे पास है तो हम मैनेजमेंट की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। जैसे क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आपको कहां पर जाना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आज 2021, मान लो कि एक साल पहले हम चल रहे हैं, 2021 में मैंने ये सोचा कि मुझे 2022 तक 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है, पैसा जनरेट करना है। तो उसके लिए मेरी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, तो मैं प्लानिंग करूंगा कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, कितना मुझे एडवर्टाइजमेंट करना है और कैसे मेरे को कस्टमर को खुश रखना है। ये सारी की सारी प्लानिंग हम लोग प्लानिंग में करते हैं, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग क्या, हम लोग जब भी स्टाफ हायर करते हैं तो हम लोग उन्हें डायरेक्ट का मतलब होता है कि हम लोग उन्हें बताना चाह रहे हैं कि करना क्या है, हम उनको डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। डायरेक्टर जैसे करता है डायरेक्टिंग करता है, वैसे हम लोग यहां पर भी डायरेक्टिंग करते हैं कि एक्चुअल में उन लोगों को क्या करना है, उनका काम क्या है, किस तरीके से काम करना है और कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं, वो चीजें इसमें डायरेक्टिंग में आती है। सीधी सी बात, हम हमारे जो भी छोटे स्तर के लोग होते हैं, एम्प्लॉय बोल सकते हो, वर्कर बोल सकते हो, उन लोगों को समझाते हैं कि एक्चुअल में काम करना कैसे, उसकी प्रोसेस क्या हो सकती है। ऑर्गेनाइजिंग, हम लोग संगठन बनाते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके फिर उनसे काम लेते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिए जाते हैं। मान लो कि मैंने 10 लोगों को बुलाया है तो 10ों की काबिलियत अलग अलग होगी, उनमें एक अलग अलग जो भी काम करने की शक्ति होती है, वर्किंग पावर होती है, वो अलग अलग होगी। तो मैं उनकी जो भी कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है उसके अनुसार उन्हें काम बताऊंगा और आगे काम करने को प्रेरित करूंगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग। फिर नेक्स्ट रहता है कंट्रोलिंग। क्या होता है कि जब भी आपने दो नाम सुने होंगे, एक तो लीडर सुना होगा, एक बॉस सुना होगा। लीडर जो होता है वो नॉर्मली अपने जो भी एम्प्लॉयज होते हैं या जो बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, उन्हें बहुत इजी वे में लेता है, अच्छे से काम करवाता है, बहुत प्यार से रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग प्यार से नहीं सुनते हैं, तो वहां पर बॉसगिरी करनी पड़ती है, वहां पर उनको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी शक्ति चाहिए, या बोल सकते हैं कि हम लोग उनको जकड़ के रख सकते हैं, है ना। कोई भी कंपनी में आप अगर बहुत ज्यादा प्यार से या बहुत ज्यादा हम्बल पेश आओगे तो वहां के जो वर्कर होते हैं वो कामचोर बन जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर कंट्रोलिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वर्कर के प्रति, मशीनों के प्रति। आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है, ज्यादा करना है, कम करना है। तो कंट्रोलिंग का शब्द यहाँ पर हम सिर्फ मेन पावर में नहीं ले रहे हैं, प्रोडक्शन में भी लेते हैं, मार्केट में भी लेते हैं, एड वगैरह में भी लेते हैं। तो हम लोग जो अंदर कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर दोनों चीजों में हम लोग कंट्रोलिंग का यूज करते हैं। अब ये हमने क्या किया, यहाँ पर इनपुट दिया पूरा का पूरा, इनपुट के बाद उसको पूरी प्रोसेस से निकाला, है ना। मैनेजरियल प्रोसेस बोलते हैं या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके थ्रू हमको कुछ आउटपुट भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा,
प्रोडक्शन मिलने के बाद में हमको सर्विसेज भी मिलेंगी, ठीक है। कैसे? हमने प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट के साथ में हम लोग हो सकता है कि सर्विसेज भी बना रहे हो, है ना। इसके अलावा प्रॉफिट जनरेट होगा हमारा, प्रॉफिट या लॉस, लेकिन हम एक मेंटल प्रिपेयर होते हैं कि हमें प्रॉफिट ही होना है ना। लॉस भी हो सकता है, जैसे मान लो कोविड से पहले किसी ने कुछ सोचा था कि हमें 5 साल में ऐसा कुछ करना है, लेकिन कोविड ने 2 साल पूरे खराब कर दिए। अब उसका जो एम है, जो भी कंपनी वाले का एम है, वो उसे कंप्लीट अचीव नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस दोनों चीजें हो सकती हैं। इसके बाद में सेटिस्फेक्शन किसका? कस्टमर का और एम्प्लॉइज का। देखो, मैं अगर काम कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज के रूप में काम कर रहा हूं, अगर मान लो कि मैं चॉकलेट बनाने वाली कंपनी में काम करता हूं, अब मैं जब काम कर रहा हूं तो यहां पर मैंने अगर चॉकलेट बनाई है तो उसके प्रति मुझे पूरा सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ, मैंने अपना 100% देके एक कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार किया है, तो इसका सेटिस्फेक्शन मुझे भी होना चाहिए और कस्टमर को जब खाएगा वो, उसे यूज करेगा, प्रोडक्ट को यूज करेगा, तो उसे भी लगना चाहिए कि हाँ, ये मुझे एक कंप्लीट प्रोडक्ट मिला है, इसमें कोई भी गलतियां नहीं है। तो ये सेटिस्फेक्शन एक सोशल जस्टिस भी होता है। जैसे मान लो कि डेयरी मिल्क कंपनी जब चॉकलेट बनाती है तो उसमें वो ऐसे प्रोडक्ट का यूज नहीं करती जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हो, हार्मफुल प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करती, या रॉ मटेरियल जो है वो एकदम बढ़िया वाला यूज करती है। कोई बच्चा खाएगा, बूढ़ा खाएगा, कोई भी खाएगा, तो उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसकी तबियत खराब नहीं होनी चाहिए, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं सोशल जस्टिस। इसके अलावा भी हमने गलत प्रोडक्ट यूज नहीं किया, इसके अलावा भी प्राइस जो है कम ज्यादा, मतलब एक कस्टमर ले सके हमें प्राइस उतना रखना है, या तो हमारे प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होता है उसमें कैटेगरी डिवाइड कर देनी है। मान लो कि आपको 100 रुपए का खर्चा आ रहा है और किसी कस्टमर की जो लेने की क्षमता है वो 10 रुपए की है, तो आपको वही प्रोडक्ट छोटा करके देना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर भी खरीद सके। तो ये कुछ हमारी होती है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल प्रोसेस होती है। इसमें हमारे कुछ फंक्शंस भी होते हैं, वर्किंग फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लानिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। ये वर्किंग फंक्शंस को हम लोग यूज करते हैं ये 5M में, मेम, मटेरियल, मशीनरी, मनी एंड मेथड। इन सबको प्रोसेस से निकाल कर हम लोग क्या निकालते हैं? हमारा आउटपुट निकालते हैं, जो कि हमारी मैनेजरियल प्रोसेस में आता है। आपसे ये क्वेश्चन 2 से 3 प्रकार से पूछ सकते हैं, जैसे कि 5M के बारे में बताइए, मैनेजरियल प्रोसेस के बारे में बताइए, और मैनेजरियल प्रोसेस का आउटपुट क्या होता है आपसे वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 3 प्रकार से बनता है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे।